बीजेपी से गंदी कोई सरकार आज तक ना तो आई और ना आएगी। जीरो जी मेरी तरफ से। अच्छा, सरकार पास है, फेल है? बिल्कुल फेल। कितने नंबर दोगे? माइनस जीरो। अच्छा जी, पहले कपड़े काट के भी निकालते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्या हिंदी न्यूज चैनल में, और मैं आपका साथी संजय शर्मा। आजादी के 75 साल क्या है देश प्रदेश का हाल, आइए जानते हैं युवाओं से क्या सोचते हैं युवा और क्या है उनके दिल के ख्याल। बात करेंगे, इस समय मैं मौजूद हूँ पासोर गांव में, मेरे साथ पासोर गांव के युवा हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब? सत्य प्रकाश भाई साहब। क्या समझते हैं आजादी के 75 साल में हम प्रवेश कर गए हैं, क्या खोया क्या पाया, क्या हालात है आज के दिन भाई साहब? बेरोजगारी चरण पर। अच्छा जी, इसको हम आजादी का वैसे नाम दे रहे हैं, लोग बाग आज बेरोजगारी के व्यवस्था है जो हरियाणा के अंदर फिलहाल चल रहा है। पिछले 4-5 साल पहले 2016 से शुरू कर लो, वहाँ से सब कुछ विनाश की तरफ चल पड़े। अच्छा जी, हाँ जी, तो क्या लगता है जो बेरोजगारी की समस्या है इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसको दोषी जी सरकार को मानते हैं आज की तरफ। अच्छा, जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। जैसे एक युवा साथी, हम जानते हैं, नाम तो लूंगा, वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, उसने लास्ट में क्राइम करना शुरू कर दिया बेरोजगारी से तंग होकर। चलिए अमित भाई, क्या कहेंगे आजादी के 74 साल क्या है देश प्रदेश का हाल? आजादी हमारे देश को, बड़ी मेहनत से हमारे देश को आजादी मिली थी भाई, और आज हमारे युवा भाई बड़े बेरोजगार हैं, उनको कोई काम कोई बिजनेस कोई सब कुछ ठप है। इस सरकार में आने के बाद बेरोजगारी ज्यादा हुई है, न कि कम हुई है, और न ही तो विकास के कोई कार्य हो रही। मेरे गांव की बताऊं मैं आपको, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है मेरे गांव में, और न तो अब सफाई का तो कोई हो ही नहीं रहा, ना भाई किसी चीज का लोगों के पास कोई बिजनेस रहा, ना लोगों के पास कोई काम धंधा। 2-3 साल से तो कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी, अब गवर्नमेंट ने कमर तोड़ दी, तो किसी भी काम पे गवर्नमेंट दावे करती है हमने ट्रांसपेरेंसी ला दी, पर्ची खर्ची खत्म कर दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए। कहाँ पे कर दिया भाई साहब? पेपर घोटाले भी आपके सामने हुए हैं, आगे पहले दारू घोटाला हुआ था, और भी बहुत घने घोटाले सरकार में हुए हैं। पर्ची खर्ची को लेकर के सरकार के दावे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, पर्ची खर्ची खत्म कर दी, ट्रांसपेरेंसी ला दी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी फिलहाल जैसे भाई ने बताया पेपर लीक हुआ, ये किस वजह से हुआ? सरकार की ये नाकामियां हैं जी। CBI खुद गृह मंत्री अनिल विज कह रहा है कि जांच हो CBI, और अब CM साहब सरकार ये नहीं मानती, ये जच्चा बच्चा पार्टी है जी, ये कब कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं कर रही। तो ये जो दावे हैं, हमने लोगों को युवाओं के लिए काम कर दिए और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम युवाओं की तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं। कहाँ 2 करोड़ रोजगार दिए? आप तो पत्रकार हैं, आप तो सारा सर्वे करते हो देखते हो, या आप भी बता दो कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है? जो जिनको रोजगार नहीं मिला है उनको कह रहे हैं रोजगार भत्ता दे रहे हैं, 9,000 रुपए मासिक दे रहे हैं, 12,000 रुपए सक्षम योजना चला रखी। नहीं, आपने कितने को देखा है? अब आपको मिला है? नहीं मिला मेरे को। आपको मिला है? तो क्या लगता है आपको इन सारे उसको लिए क्या है, क्या आप दोष मानते हैं किसी से, समाज का दोष है, क्या क्या कारण है, क्यों फेलियर कह रहे हो आप सरकार को? फेलियर जी नहीं कर पा रही जो सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि पहले किसान भाई जो हमारे आज बैठे हैं 8-9 महीने के बॉर्डर में बैठे, वहाँ इतना तो जानता नहीं, 450-500 आदमी शहीद हो चुके हैं, उनको आज तक तो कुछ नहीं हुआ है। उसमें तो 5-7 बंदे ऐसे हैं जिसके घर पर कोई 3-3 बाण है, एक ही भाई है वो शहीद हो गया, माँ बाप कोरोना काल में चले गए, उन्हें कोई मदद नहीं दी जाए। सरकार कह रही है जो आंदोलन है ये कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस के लोग बैठे हैं इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं। ये देखो जी, आप जमींदारा में इतना जानता नहीं, हमारे बाबू जी जाना है, पर ये उनसे सुना कि ये नुकसान है किसानों को, दिक्कत है। दिक्कत है क्या? दिक्कत है किसानों को, हमारे यहाँ जो खेती करते हैं उनको टाइम पे बिजली नहीं मिलेगी तो क्या खेती करेंगे, कुछ नहीं है उसमें, होगा ही नहीं। पेट्रोल कितना महंगा हो गया भाई साहब, डीजल कितना महंगा हो गया, लोगों के पास ऊपर से रोजगार नहीं रहा, फिर ये जल भराव कितना हो गया, फसल खराब होगी। आज मान लो ये जो सरकार कह रही है कि कोई भी स्कीम आ रही है, 10-10 रुपए 5-5 रुपए के चेक आने लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि यदि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही है, चलो उनको रहने दो, आप इन तीनों काले कानूनों को वापिस ले लो, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो तीनों कानून को वापिस ले लो,
नहीं, महंगाई के लिए सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ी है तो हमने आमदनी भी बढ़ाई है, क्या किसानों की आय दुगुनी करने के जा रही है? कहाँ पे दुगुनी है, कहाँ पे दुगुनी है? कितने किसान डीजल के ऊपर निर्भर होता है जी, ट्रैक्टर डीजल से चलता है, आज 90 रुपए डीजल है। डीजल आज से 3 साल पहले देखो कहाँ था। अब किसी चीज को लेके आएगा किसान, मतलब की बाया बोई करनी है, जिस तरह ट्रैक्टर को भाड़े पे लिया आया, भाड़ा बदल आया जी, अब फसल माम देनी है ग्रफिया की भी कोने हुई, और दूसरे क्या दिन रहा, पहला तरफ ये उड़े मिल जाए आठ थी तो वो खाते में जाओ, और बुजुर्ग आदमी का नाम खाता हो गया, उन्हें गाड़ी बिच ले जानती और बैंक में खड़ा रहो, ये होगी। तो सरकार कह रही है MSP दे रहे हैं, बड़ा बड़ा के दे रहे हैं, या मंडी न्यू चलेगी, MSP बढ़ बढ़ कर आएगी, किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा MSP दे रहे हैं हरियाणा प्रदेश दे रहा है, तो डीजल भी तो बढ़ गया जी, ऐसा खर्चा बढ़ गया, क्या दिया वही आ गई बात। अच्छा, टोटल लॉस, टोटल लॉस। तो सरकार को कितने नंबर दोगे आप अगर आपसे पूछा जाए? 0 जी मेरी तरफ। अच्छा, सरकार पास है फेल है? बिल्कुल फेल। कितने नंबर दोगे? -0। अच्छा जी, क्या नाम है भाई साहब? नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आप युवा हो, कई मुद्दों का यहाँ पर जिक्र हुआ है, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों की समस्याओं का। आजादी के 74 साल बाद देश का युवा आपकी तरह एक आम नागरिक क्या सोच रहा है? देखो भाई साहब, देश में आजादी सभी ने देखा है, बड़े बुजुर्गों ने देखा है, हमारे ने कितनी कठिनाइयों से आजादी देश को मिली है, कितने ने खून बहाया है देश के लिए, तो सभी ने देश को आजाद कराया है। तो हम ना चाहते हुए भी कि कल न जिस तरह अफगानिस्तान के हालात हो रहे हैं, इस तरह हमारे देश के हों, तो सरकार को पहले ही जो देश के अंदर देशद्रोही हैं, जो देश में बैठे हैं, बाहर वालों तो बाद में लड़ लेंगे, लेकिन सरकार को जो पहला देश के अंदर बैठे हैं उन तक लड़ने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा माहौल क्यों है, मतलब युवाओं को लेकर के सरकार से नाराजगी है या खुश है? सरकार से नाराजगी थोड़ी बहुत है जी, बेरोजगारी के लिए प्रति इतना काम नहीं कर पाई सरकार। अच्छा, लेकिन सोच रहे हैं कुछ और टाइम दे दें। अच्छा, सेंटर सरकार ने काम बढ़िया करा है, लेकिन राज्य सरकार का काम विफल रहा है, विफल रहा है। हाँ। अच्छा, किसानी की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खेलों की बात करें, तो आप क्या मानते हैं? खेलों में देखो जी, बहुत सपोर्ट करा है, देखो 7 मेडल आए हैं, पहली बार सबसे ज्यादा मेडल अपने आए हैं, हरियाणा के भी सबसे मेडल आए हैं, हॉकी में भी देखा आपने कितने साल बाद ध्यानचंद जी के बाद अब मेडल आए हैं, तो इसमें भी सरकार को ना कि मेडल लाने के बाद इनका इतना पैसा देना चाहिए, पहला ही जो खेलों से पहले जैसे अब अपने 5-5 साल हैं, तो जो युवा हैं अपने 15 से 25 के बीच में, उन पर फोकस करके अकेडमी बना कर उनके उनकी जो आर्थिक सहायता, जिस तरह ये हॉकी के थे, ईब तो सारा देश पूछ रहा है, सब पैसे देने लग रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक स्तर पर सुविधाएं देनी चाहिए, जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो सुविधाएं देनी चाहिए। अच्छा, आपके गांव में कोई खेल का मैदान है? खेल का मैदान था, पास होया था जी, वो कुछ बन नहीं रहा, उसकी दीवार टूटी पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा उसमें, उसमें घास जाम रही बड़ी बड़ी, स्टेडियम के नाम पर दावे इतने बड़े हुए थे, नक्शा पास होया था, ऐसा ऐसा स्टेडियम की पूरे हरियाणा में नहीं होगा, और वहाँ आज कुछ नहीं, कुछ नहीं देख सकते। तो फिर खिलाड़ी कहाँ से पैदा होंगे? तो इसीलिए बोल रहे हैं सरकार को प्राथमिक सुविधाओं पर ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों की जो आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने वो पीछे से देखा हरियाणा में कई बच्चे जो गरीब घर के थे मेडल ला रहे थे, सामाजिक आदमी भी आए, हमने भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ राजनीतिक आदमियों ने भी आगे आना पड़ेगा, सामाजिक जितनी मदद होगी सामाजिक मदद करेंगे, राजनीतिक जितनी मदद होगी उतनी करनी पड़ेगी। चलिए कुछ और साथियों से भी बात करते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? राकेश कुमार नाम है जी। अच्छा राकेश जी, आप युवा है, क्या सोचते हैं आजादी के 74 साल बाद हमने क्या खोया क्या पाया? जो कांग्रेस ने किया था जी, जी उस पे BJP ने रेमेड कर दिया। अच्छा, हाँ जी, बेरोजगारी एक एक्सट्रीम लेवल उच्च स्तर पे जा चुकी है, देश का युवा बेरोजगार होने की वजह से उल्टे सीधे कदम उठाता है, उसका सारा जिम्मा सरकार का है। 2-3 साल पहले जो फॉर्म भरे गए थे उनके अब तक एग्जाम नहीं हुए, ठीक है, एग्जाम जिसके हुए उसके पेपर लीक कर दिए तो कैंसिल कर दिए, तो अल्टीमेट सरकार तो जो फॉर्म भरे जा रहे हैं फॉर्मों का भी पैसा खा रही है। चलिए, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है, तो केंद्र सरकार जो अच्छा कार्य कर रही है उसको लेकर के जो किसानों की एक समस्या है, जो कानूनों के लेकर के बात की जा रही है, वो केंद्र के अधीन है, तो ये क्या विरोधाभास है? विरोधाभास है जी, कुछ लोग अपनी जमीन तैयार करने में जुट रहे हैं जी। सरकार को भी किसानों के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए, उनसे बुलाकर बात करनी चाहिए, किसानों को भी इतना रुख अपना अडिग नहीं करना चाहिए कि उनको भी जाकर बात करनी चाहिए, मतलब बातचीत के रास्ते सुलझ जाएगा ये मामला, के रास्ते सुलझ जाएगा, या ऐसे बैठे रहने से या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने से इससे कुछ नहीं होगा, बातचीत ही एक समस्या का हल है।
चलिए किसानों की बात है, इस समय मैं पासोर गांव में मौजूद हूं। किसान का यहां पर क्षेत्र है और किसानी यहां पर मुख्यतः व्यवसाय माना जाता है। किसानी को लेकर के कुछ बातें आई है कि यहां पर किसान को डीजल के रेट बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से और बिजली और पानी समय पर उपलब्ध ना होने से किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। अमित जी, मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, हमने सबसे ज्यादा, सरकार बोल रही है कि हमने सबसे ज्यादा फसल की जो गिरदावरी है, जो फसल खराब होती है उसका रिकॉर्ड तोड़ हमने मुआवजा दिया है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमने एमएसपी पर सबसे ज्यादा रेट दिया है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग को भी लागू करने की कोशिश की है जिससे किसानों की आय बढ़े, और लगातार किसानों को ऊंचा उठाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, सब ये बकवास है, कोई कार्य नहीं कर रहे। जो पहले कह रहे थे कि आप, ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उन्होंने, ये तो उसकी रिपोर्ट की कह रहे थे आप, उस पहले कह रहे थे, तो वो भी तो पहले भी कह रहे थे, इन्हें कहाँ किया कहाँ अब तक, अब तक तो कोई इन्होंने लागू नहीं किया है। ये पहले कपड़े काट के भी निकालते थे, निकाल के घूम रहे थे। नहीं, ये कह रहे हमने फसल बीमा योजना के तहत इतने 1000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए फसल बीमा योजना से। आपके पास है कोई लिखित उसकी? सरकार दावे कर रही है, सरकार दावे कर रही है, आपको दावे तो प्रूफ करो। सरकार क्या कहना है फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कितना लाभ हुआ है, हानि हो रही है फसल बीमा योजना से? पहले तो भाई जी मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे मुआवजा फसल में नुकसान हो गया जी, किसी का कोई रिलेशन है राजनीति से और उसको नुकसान नहीं हुआ, वो मुआवजा वो ले गया। अच्छा, जिसके हो गया फसल तो नुकसान कर भगवान ने कर दिया, उसके पीड़ा पैसा भी ना आया, तो इसके लिए दोषी कौन है? सरकार है जी। तो सरकार मतलब वास्तविक किसानों तक लाभ नहीं पहुंचा रही है? अपना भरो जी, अच्छा अपने का भरो, अपने पाड़ो, यो है। ये तो कह रहे हैं हम पारदर्शिता से शासन कर रहे हैं, निष्पक्षता से शासन कर रहे हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता जी, आप घूमो, आप पत्रकार हो संजय भाई, घूम कर देखो, आप तो खुद पता लग जाएगा। तो जो लाभ है सरकारी योजनाओं का किसानों का, वो आम आदमी तक पहुंच रहा है, आम किसानों तक? बहुत कम, बहुत। अच्छा, क्या कारण है उसका? अफसरशाही दोषी है, सरकार दोषी है? सरकार दोषी है भाई सब, अफसर तो कुछ करते ही नहीं। मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले समस्या, पानी की समस्या मेरे गाँव में, लाइट की समस्या है मेरे गाँव में, पानी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लाइट सही टाइम पे नहीं आ रही, रोज चेकिंग वाले आते हैं, उनको फोन करते हैं चेकिंग के लिए आओ, अच्छी बात है, छापे मारो अच्छी बात है, लोड चेक करो अच्छी बात है, अब फैसिलिटी तो दो लोगों को, फैसिलिटी देने का भी तो क्यों नहीं कहा है, जो छापे मार रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, फैसिलिटी दे, फैसिलिटी भी तो देने का है जी। पासोर गांव की एक समस्या मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, जागरूक भी हैं, आपने काफी बोला भी है इस विषय पर, पासोर गांव काफी फेमस गांव है, पासोर गांव की एक समस्या जो आप हल कराना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, एक अपील करना चाहते हैं आप, मुख्य एक समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो जी गांव की पानी और बिजली की और सफाई की है। अच्छा, क्योंकि पानी बिजली सफाई के बिना कुछ नहीं है बाहर, ये बुनियादी सुविधाएं हर आदमी को चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पानी बिजली, अब बाहर से भी आदमी आ रहा है, आते ही पहला पूछे हैं पानी बिजली की क्या सुविधा है भाई, तो अब क्या सुविधा बताऊं उन्हें, क्योंकि पानी तीन तीन दिन तक नहीं आता, लाइट जो पूरी पूरी रात तक नहीं आती, तो ये सरकार से निवेदन है कि भाई बुनियादी जो सुविधाएं हैं, ताकि गाँव में भी किराए के लिए भी मकान बना रखे लोगों ने, बाहर शहर की तरफ ना भाग गए, वही सुविधाएं उनको यहीं दी जाए कम खर्चे पर भी। जी हां, आजादी के 74 साल बाद युवा बुनियादी सुविधाओं की मांग करते नजर आए हैं पासोर गांव से, चाहे बात की जाए बिजली पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के और खेल को लेकर के, तमाम जो समस्याएं हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट, जो ग्राउंड लेवल पर बातचीत की जा रही है वो ये है कि यहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। एक बार भाई साहब से भी जुड़ते हैं, बुनियादी सुविधाओं की बात करें, पासोर गांव की बात करें, क्या मुख्य समस्याएं हैं जो पहले भी थी आज भी हैं और आपको लगता है कि ये हल हो सकती है? शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, पहली चीज। दूसरी, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा जो भाई ने बताया अभी, वही चीजें कंटिन्यू चलती आ रही है, पहले भी वही थी अब भी वही, तो सरकार कह रही है कि हमने परिवर्तन किया, तो क्या परिवर्तन हुआ? आम आदमी तो वैसे ही धक्के खा रहा आज भी, तो सरकार का क्या रोल रहा, सरकार ने क्या परिवर्तन किया, मैं आपसे पूछता हूँ। सरकार के अपने दावे हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, सरकार आंकड़ों के, आंकड़ों को लेकर के लगातार दावे करती है कि हम सत्र को सुधारने का प्रयास। बीजेपी से गंदी कोई सरकार आज तक ना तो आई और ना आएगी, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, जो कभी स्मृति ईरानी को आप जानते होंगे, स्मृति ईरानी ने खुद सिलेंडर उठा के दावा किया था, बोला इतनी महंगाई है, आज वो स्मृति ईरानी कहां चली गई, ठीक है, आज वो बीजेपी वाले कहां चले गए जो उस टाइम पे ये कह रहे थे कि बोला हमने महंगाई कम करनी है, सरकार आने दो, आज वो सब छुपे बैठे हैं,
आज ग्राउंड पे कोई नहीं दिख रहा। सरकार कह रही है हमने धारा 370 तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया, 35 एकड़ दी, सीए लागू कर दिया, उससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ? सोचने की बात है। जो धारा 370 है, आज मैं प्लाट लेना जाऊंगा वहाँ पे या कोई काम धंधा शुरू करूंगा कश्मीर में, तो क्या मेरे को करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, जो राम मंदिर बनाया उससे क्या फायदा है? जितने में राम मंदिर बनाया उन पैसों से एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहिए जिससे एक आम आदमी को तक वो फायदा मिले। मतलब स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए, शिक्षा में सुधार करना चाहिए, प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है खाली एक सरकार के भरोसे है। सरकार कुछ करने को तैयार नहीं, आम आदमी वैसे धक्के खाते जा रहा है। ठीक है, हर आदमी अपने आप में इतना चिड़चिड़ा हो गया है महंगाई को लेके, इसका सारा हम सबको पता है, सारा का जिम्मा सरकार का है। सरकार को आप पास मानते हैं, फेल मानते हैं? 0% माइनस में चली गई सरकार जी।